आज हम आपको कांच लगाने की एक स्टिच सिखाएंगे। देखिए, ये पेन लिया आपने, उस पर धागा है। देखिए, धागे की एक तरफ सुई डाल रखी है हमने, दूसरे सिरे से हम लपेटना शुरू कर रहे हैं। एक बार, ये दो बार, ये तीन बार। इसके बाद आप इसको इधर से निकाल लीजिए बाहर और ये इसको पकड़ लीजिए यहाँ से, इस तरह से। और इसके बाद देखिए, आपको बटन होल स्टिच बनानी है। आपको ना आती हो बटन होल स्टिच तो हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये अंदर से निकाला, ये देखिए, और यहाँ से ऐसा कर देंगे। ये देखिए, देखिए ये वाला धागा इसके नीचे की तरफ होगा, ये वाला ऐसे खींच के इस वाले के बगल में ऐसे ले आना है। ये देखिए, हमने इसके सेंटर से निकाला, और ये देखिए खींच के हम इसके पास ले आएंगे। इसके बाद फिर हमने ये निकाला, ऐसे करके हम पूरी एक बार पूरे पे ऐसा राउंड कर देंगे। हमने पहले से एक को करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ये देखिए, हमने पूरा इसमें ये एक राउंड करके रखा हुआ है। तो जहाँ ये राउंड इस तरह करते करते पूरा हो जाएगा, देखिए वहाँ हमें क्या करना है कि अब हमें इसके ही ऊपर वाली ये जो है, ये देखिए, इसी में से हमें निकाल के ऐसे करना है। ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको आप काट दें इसके हेल्प से, और थोड़ा सा और कर लें। ये देखिए, अब देखिए ये पूरा राउंड पूरा हो गया है। और देखिए, हम ये इस तरह से अब इसमें से निकालेंगे और हमारा आखिरी तक ऐसे ही चलेगा। ये देखिए, देखिए आपको इसमें धागा ये है, ये बहुत लंबा लेना है। एक बार में ही इस धागे से पूरी आपका ये बन जाना चाहिए। क्यों? हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, इसमें ये उलझता है धागा बार बार वीडियो बनाते हुए, इसलिए हमने जान के छोटा ले रखा है। बाकी आप इतना लंबा लेंगे धागा कि ये पूरा एक से ही बन जाए, बीच में धागा चेंज करने पे उसकी बीच में गठाने दिखती है, वो अच्छे नहीं लगती है। तो देखिए ऐसे करते हुए, ये देखिए, ये हम जितनी भी बड़ी आपको ये करनी है उतनी बड़ी आप कर लेंगे। पूरा ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसा करके बड़ा करते जाएंगे। हमने इसे बड़ा भी करके रखा है। ये देखिए, ये करते करते हमने इसे इतना कर दिया है। अब आप इसे बड़ा करना चाहें तो इसे कर लें, जैसा कि हम इसे हल्का सा आपको करके दिखा देते हैं। ये देखिए, बाकी हमको आवश्यकता नहीं है, हमको इतनी ही रखनी है। ये देखिए, हमने पूरा बना के रख दिया है इसको। तो आप उसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए, ये देखिए, अब हमको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब हम लेंगे कांच। ये देखिए, अब हमने ये कपड़ा ले लिया है हमारा, ये इस पे हमने कांच रख दिया और इसके ऊपर हमने ये हमारी ये रख दी है। और वैसे आप सिलना जानते होंगे सभी,
ये देखिए हमने ये कांच रख के इसके ऊपर इसको ऐसे रख दिया और आप इसी को यहाँ से नीचे की तरफ कर दीजिए और कपड़े पे इसी को सिल दीजिए। ये देखिए सिलना शायद आपको सबको आता ही होगा। ये देखिए ये देखिए हम बुनाई कर दी है हमने चारों तरफ से और हमारा कांच बिल्कुल अच्छा लग रहा है लगा हुआ। तो आप ये वाले तरीके से करें, ये सबसे आसान तरीका है कांच लगा।